हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए दोस्तों, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है आशीष डॉगवर्ड। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, में शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और अगर आपको भी दोस्तों अपने डॉग्स की वीडियो बनाना है और मेरे चैनल पे डालना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9767166748। तो चलो दोस्तों, जाते हैं और मिलते हैं डॉग से। और एक से बढ़कर एक डॉग है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। और वाइट जर्मन शेपर्ड भी है और काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में डॉग है। हम कहाँ पे आए हो तो आप देख सकते हो। तो सर, कैसे हो? बढ़िया हो। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। और बताओ कुछ? एकदम मजे में है आशीष भाई। तो आज आशीष भाई आए हैं मेरे घर पे। मेरा गांव है कारंजा घाड़गे, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, नागपुर अमरावती रोड पे। तो भैया आए हैं वीडियो बनाने, तो वीडियो पूरी देखना। वीडियो पे नए हो तो कमेंट्स जरूर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए। काफी दूर से भाई आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना। और सर, अपने पास कितने डॉग्स है पूरे? अभी मेरे पास में टोटल 13-14 डॉग है। अच्छा, छोटे बड़े मिलाकर। तो दोस्तों, इनके लिए बड़ा वाला कूलर लगा हुआ है और ये देख सकते हो आप, काफी ज़बरदस्त डॉग है, ये देख सकते हो। ये देख सकते हो, ये शेरी है दोस्तों, इसका नाम फुल लॉन्ग कोट है ये भी। और ये बगीरा है सर का, ये अभी नाम मेरे को पता नहीं है दोस्तों, इतने सर को पूछेंगे एक एक करके। तो आप देख सकते हो क्वालिटी। और सर मेंटेन भी रखते हैं दोस्तों इनको, ये काफी बड़े बड़े डॉग्स है। अच्छा, फादर है गैविडो। अच्छा, इंपोर्ट है हमारे भारत में। और मदर है बम्बू जिम। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियन। अच्छा, तो इसका एज है अभी 15 महीने। हाँ हाँ, मेल है लॉन्ग कोट का। अच्छा, तो नॉनवेज नहीं देता हूँ मैं। अच्छा, बहुत कम, मतलब देता ही नहीं हूँ, कम की बात ही। हाँ हाँ, अंडे देता हूँ। अच्छा, और फूड सब देता हूँ मैं। हाँ हाँ, जो भी मेरे शॉप में RC, NND, स्मार्ट हर्ट, पेडिग्री, जो भी होता है सब। हाँ, तो सर की शॉप भी है दोस्तों नागपुर में, तो उसका भी वीडियो बनाएंगे हम आने वाले दिनों में। और तो इसको कभी सर आपने शो वगैरह में उतारे थे? नहीं, मुझे शौक का कोई इंटरेस्ट नहीं है। शो में बहुत लोग जाते हैं। हाँ, हाँ, मैं घूम फिर के आता हूँ राउंड मार के। अच्छा अच्छा, सिर्फ देखने के लिए। हाँ, डॉग नहीं ले जाता, क्या है डॉग को बहुत परेशानी हो जाती है। हाँ, तो हाँ, डॉग रखो। हाँ, और मिलेगा आपको क्या, छोटा सा जो भी मिलना है वो। हाँ, 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 और वहाँ पे धूप भी काफी होती है। हाँ, परेशानी बहुत होती है डॉग को। हाँ, इसलिए मैं, और मेरा शौक से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मैं ब्रीडर हूँ। अच्छा, मैं ब्रीडिंग करता हूँ। हाँ, पपी सेल करता हूँ। अच्छा, हमें शो से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो सर ये ब्रीडिंग का जब से चालू की है, कब से चालू की है ये? मेरा अभी 4 साल हो गए मेरे को। अच्छा सर, उसके पहले क्या करते थे आप? हाँ, उसके पहले मैं फौज में था। अच्छा, मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा, फौजी हूँ। हाँ हाँ, और वहाँ पे भी मैं 2 साल डॉग्स स्पॉट में था। हाँ हाँ, तो वहाँ से मेरे को, वैसे मेरे घर में ऑलरेडी देसी डॉग थे। हाँ, जानवरों का हमसे, हमको शुरू से जुड़ाव है। हाँ, तो बाद में फिर मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा आने के बाद भी। हाँ, तो ये मेरे को एक अच्छा लगा। अच्छा, मेरा शौक भी पूरा होता है। अच्छा, और पपी सेलिंग भी करता हूँ मैं। अच्छा सर, ब्रीडिंग भी करते हैं? हाँ, घर के बच्चे। अच्छा अच्छा, और आप सकते हो डॉग है, और आप देख ही सकते हो दोस्तों क्वालिटी, ये देख सकते हो फुल लॉन्ग कोट है। और आप देख सकते हो, ये देखो इम्पोर्ट का सन है दोस्तों। और सर इसके बारे में और कुछ बताओ। इसका खासियत है बहुत शांत मेल है ये। अच्छा, और कोई परेशान नहीं करता है, मेन बात। हाँ, जैसे हाँ, आप देख सकते हो कि छोटा वाला जो है। हाँ, बहुत हाँ, परेशान करता है, ये शांत है बहुत। हाँ, और जैसे कमांड कोई भी बोलो। हाँ, सिट डाउन आप। अच्छा अच्छा, वो सुनता है आराम। अच्छा, इसको ट्रेन किए है क्या सर आपने? तो नहीं किया है। हाँ, थोड़ा बस बेसिक। हाँ हाँ, जो बेसिक है थोड़ा बहुत। हाँ,
अच्छा, बाकी बढ़िया मेल है। अच्छा। तो सर ये एकदम हेवी मेल है, इतना बड़ा और फुल लॉन्ग कोट का है, तो सर इसकी इसकी ग्रूमिंग वगैरह है या इसको नहलाना वगैरह है, तो महीने में कितनी बार नहलाना पड़ता है और ग्रूमिंग कितनी बार करना पड़ता है? मैं हफ्ते में एक बार नहलाता हूँ। अच्छा, अच्छा। और ग्रूमिंग तो रोज करता हूँ। अच्छा, मशीन मारता हूँ, ब्लोअर मशीन से उसके बाल पूरे साफ करता हूँ। हाँ हाँ, कंघी जरूर मारता हूँ। अच्छा, वो तो करना ही पड़ता। लॉन्ग कोट में देखो, मेरे हिसाब से तो लॉन्ग कोट उतना काम उसमें बहुत हो रहता है, क्योंकि घर में शॉर्ट कोट मीडियम कोट बेस्ट है। अच्छा। आपके पास भी है डॉग? हाँ, मैं, हाँ, तो मेरे कोई वर्किंग नहीं, मगर इसको क्या है, लॉन्ग कोट को कंघी ग्रूमिंग करते ही रहना पड़ता। अच्छा, यानी कि ग्रूमिंग कर नहीं रहे, इसके बाल नहीं तो भुट्टा हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसके बाल लोगों को क्या है, लॉन्ग कोट ही पसंद है, वो अलग ही है उसका। तो अच्छा है, जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छी ब्रीड है। अच्छा अच्छा, तो सर आप इसे एज अ स्टड यूज करते हो, यानी कि अपनी फीमेल पे तो करते ही हो, जैसे कोई दूसरा अगर आए तो क्या उधर भी आप इसको यूज करेंगे? अभी क्या है, मैंने जब 12 महीने का था तब मैंने एक मीटिंग मारा था इसकी। हाँ हाँ, ये वाली फीमेल पे। अच्छा अच्छा, वो फीमेल देख सकते हो दोस्तों, पपीज दिए थे 7। हाँ, 7 बच्चे दिए थे, वो पूरे सेल हो गए, रिजल्ट आ गया था उसका। हाँ हाँ, फिर मैंने अभी इसको 3 से 4 महीने गैप दे दिया था। हाँ हाँ, अभी ये जो फीमेल आई है मेरी। अच्छा, वो दूसरी वो देख रहे हो दोस्तों, वो फीमेल है इधर। हाँ, वो भी प्रॉपर ये सेम ऐसी लॉन्ग कोट की है। हाँ, उसका शेडिंग हुआ है। हाँ, देखना है तो पुरानी वीडियो देख लेना। अच्छा, और उसके साथ मैंने मीटिंग किया वो अभी बघेरा की। अच्छा, तो प्रॉपर लॉन्ग कोट के बच्चे आएंगे। हाँ, जर्मन शेपर्ड में क्या, अभी बहुत से लोगों के आप देखते हो, कोई मेल लॉन्ग कोट का रहता तो फीमेल मीडियम कोट की रहती है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर फीमेल लॉन्ग कोट की है तो मेल लॉन्ग कोट का नहीं है। हाँ, हाँ। तो उसमें प्रॉपर लॉन्ग कोट बच्चे नहीं निकलते। अच्छा, दोनों अच्छा। मदर फादर लॉन्ग कोट होना चाहिए। अच्छा, तो अगर कस्टमर लॉन्ग कोट बच्चा मांग रहा है तो उसको हाँ, लॉन्ग कोट ही मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये। और सर आप वॉक पे कितनी बार लेके जाते हो दिन में? वॉक पे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सही बोलता हूँ, सिर्फ मैं बघेरा को ले जाता हूँ। अच्छा अच्छा, क्यों? हाँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ कंजेस्टेड एरिया है। हाँ, हाँ, तो काफी बड़ा स्पेस है। अच्छा अच्छा, और फिर लेके जाना है तो मुझे काफी दूर ले जाना पड़ता है, इसलिए मैं एक को ही ले जाता हूँ। अच्छा अच्छा, बाकी फिर पग भी है उनको भी घुमाना। हाँ हाँ, तो दोस्तों देख सकते हो सर का काफी बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे आराम से खेल लेते हैं डॉग। तो सर इसका नाम क्या है? ये जिन है। अच्छा, इसके फादर का नाम जिप्ट है। अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने इसका नाम जिन रखा हो। हाँ हाँ, बहुत चुलबुल करता है। अच्छा अच्छा, इसीलिए मैंने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा बघेरा पसंद है, वो बहुत शांत है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये रहता नहीं एक जगह। अच्छा, और लॉन्ग कोट का मेल है अभी। हाँ, इसके हेयर्स थोड़े कम है बघेरा से। और 13 मंथ इसकी एज है। अच्छा अच्छा, इसका फादर जिप्ट है इम्पोर्ट। हाँ हाँ, और मदर भी इम्पोर्ट। अच्छा अच्छा, तो क्वालिटी आपके सामने है। हाँ, क्वालिटी तो देख सकते हो दोस्तों। और ये भी आपने ये कहाँ से लाए थे? ये मैंने ये भी हरियाणा से लिया। अच्छा, था अच्छा। हमारे क्या बोलते हैं, सुमित हरियाणवी है, लैब्राडोर के ब्रीडर। हाँ, उनसे लिया था। अच्छा अच्छा, तो सर क्या इसको भी सेम फूड वगैरह सेम वैसे ही चालू है जैसे बघेरा को चालू है? जितने भी मेरे डॉग है। हाँ, सबको फूड एक ही साथ देते हैं, चावल के साथ। अच्छा 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 अच्छा, पेडिग्री ग्रेवी और फूड जो भी। हाँ हाँ हाँ, ये और, भी एक मेल है मेरा। अच्छा, ये भी स्टड के लिए अवेलेबल रहता है। हाँ, ये भी स्टड के लिए है। हाँ हाँ, तो इसकी अभी मीटिंग लगाए, इसकी मीटिंग वगैरह लगाए थे सर? हाँ, इसकी मीटिंग अभी मैंने लगाया वो मिस्टी के साथ। अच्छा, अभी पता नहीं एक महीना हो गया है। हाँ हाँ, मालूम पड़ेगा अभी। तो क्या वो ये उसकी फर्स्ट ही मीटिंग है? फर्स्ट मीटिंग के लिए बहुत फास्ट है। अच्छा अच्छा, और इसीलिए परेशान है वो, फीमेल हिट पे है ना। हाँ हाँ हाँ, परेशान कर रहा है। अच्छा, तो क्या सर दो मेल एक जैसे अपने को दो मेल एक साथ में रखना है तो क्या अपन रख सकते हैं? रख सकते हैं, बट अगर फीमेल अगर हीट पे तब थोड़ा सा परेशान करते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, और कुछ बताऊंगी इसके बारे में? बाकी अच्छा मेल है। हाँ, बस थोड़ा सा इसकी आदत ये है कि भोकता ज्यादा है, कोई अगर नया आए तो भोकता ही है बोलना। हाँ, भी चाहिए। हाँ, हाँ, अगर मान लो एक डॉग को मैं बाहर ले जा रहा हूँ। अच्छा, इसको नहीं ले जा रहा तो बहुत परेशान करता। अच्छा, अच्छा, वो उसकी एक आदत। हाँ, थोड़ी गंदी है। अच्छा, वो बोलता है मुझे भी ले जाओ। हाँ, हाँ, ये और ये गार्डिंग के हिसाब से कैसा है सर? हाँ, ये गार्ड के लिए तो सबसे पूरे डॉग में से मेरा सबसे बेस्ट है। अच्छा अच्छा, तो अभी कौन से डॉग से मिलेंगे सर? अभी मैं आपको मिलाऊंगा व्हाइट वाली जर्मन शेपर्ड। अच्छा, तो चलो दोस्तों अभी मिलते हैं सर की व्हाइट वाली जर्मन शेपर्ड से। तो सर ये बताओ कि इसका नाम क्या है? ये है स्वीटी, फीमेल है जर्मन शेपर्ड की।
हाँ जी सर। इसकी एज अभी 10 मंथ्स है। अच्छा, 10 महीने की फीमेल है। हाँ हाँ, और देख ही सकते हो। हाँ दोस्तों, क्वालिटी देख सकते हो। और सर, ये आपने कहाँ से मंगवाए थे? ये मैंने, ये भी हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से, यानी कि आपने सारे डॉग्स उधर के ही है? वही क्वालिटी उधर ही मिलेगी। अच्छा अच्छा, इधर कुछ नहीं है। हाँ हाँ, इधर तो इक्का दुक्का मिलेगा, वो भी भाव बहुत खाते हैं लोग। अच्छा, तो सर इसकी मीटिंग आप कब लगाओगे? अभी टाइम है कम से कम 6 महीने। अच्छा, 16-17 महीने की होने देता हूँ। अच्छा अच्छा, इसको भी सेम डाइट है सर? सेम सेम, जितने भी डॉग है मेरे सबको वही डाइट है। अच्छा, तो इसके लिए सर क्या व्हाइट ही मेल लगाओगे? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, और जितने भी ब्रीडर है देख सकता हूँ मैं भी। हाँ हाँ, व्हाइट पे आप ब्लैक रेड मेरा बगीरा में लगा सकता हूँ, तो उसमें कुछ बच्चे इसके जैसे व्हाइट निकलेंगे। अच्छा अच्छा, कुछ बगीरा के जैसे निकलेंगे। अच्छा, तो सर नागपुर में या अपने इधर जो जो सराउंडिंग एरिया है या अपना ये एरिया है, तो इधर क्या ये एक ही है या और है? हाँ, व्हाइट शो में भी देखा हूँ, गया था तो एक दो बार। अच्छा, तो व्हाइट जर्मन शेपर्ड इधर किसी के पास में नहीं है। अच्छा अच्छा, नागपुर एरिया में और कहीं वर्धा में आसपास। हाँ हाँ, तकरीबन नहीं है मेरे हिसाब। अच्छा, ब्लैक मिल जाएंगे? हाँ ब्लैक मिल जाएंगे। हाँ हाँ, व्हाइट नहीं देखा मैंने अभी तक। अच्छा हाँ, मैंने भी जब आपने फर्स्ट टाइम लाए थे सर, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था, और फर्स्ट टाइम आपकी आप ही के पास देखा हूँ मैंने लाइव। तो इसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? हाँ, जब मैंने इसको लाया था तब आपने देखी थी। हाँ हाँ, कैसी थी? ऐसे लग रहा था पॉमेलिन है। हाँ, मगर मैंने इसके मदर फादर देख के मैंने लिया था। अच्छा, मुझे पता था कि क्वालिटी इसकी आगे बनेगी। अच्छा, मेहनत भी किया हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, फीमेल अभी 10 महीने की क्वालिटी आपके सामने है। अच्छी फीमेल। अच्छा, और सर जो ब्लैक एंड टेन कलर होता है, उससे क्या व्हाइट और ब्लैक कलर थोड़ा महंगा आता है? व्हाइट कलर थोड़ा सा रेयर होता है ना। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा महंगा तो आता है, ये कॉस्टली पड़ता है। हाँ हाँ, बट मेरे पास जब भी इसके बच्चे होंगे मैं नॉर्मल प्राइस में दूंगा कस्टमर। अच्छा अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सबके पास में रहे। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत से लोग है, कुछ लोग घमंड आ गए उन लोगों के। हाँ हाँ, डॉग है तो। अच्छा अच्छा, हमारे पास है तो किसी के पास नहीं। मैं चाहता हूँ कि सबके पास, जो जिसको भी शौक है डॉग। हाँ हाँ, हर एक इंसान के पास डॉग रहे अच्छी क्वालिटी। हाँ हाँ, वो अच्छा। और सर अगर अपने एरिया में अगर होंगे तो इसी के बच्चे होंगे अभी, और लोग बाहर से भी ला सकते हैं, बट ये प्राइस में तो बाहर नहीं देंगे, है ना? देखो जर्मन शेपर्ड तो बहुत है ऑल इंडिया में, बहुत। हाँ हाँ हाँ, अगर आप कहीं से लेते भी हो। अच्छा, तो प्रॉपर उसके मदर फादर देखो। हाँ हाँ, और जो भी देना लेना है अपना जाकर के सामने करो। हाँ हाँ, ऑनलाइन या फिर फोन पर मत, बहुत लोग ज्यादा है। अच्छा हाँ हाँ, तो अगर आप लेना चाहते हो मेरे से तो आप हाँ, मेरे घर में आ सकते हो, मेरे डॉग सब आपको दिखेंगे। हाँ हाँ, किस क्वालिटी के? अच्छा, और सर का काम एकदम जेन्युइन है दोस्तों, जो सही है वो सही ही बोलेंगे सर, और जो गलत है वो गलत ही बोलेंगे, कि ऐसा नहीं है आपके पास कि मीडियम कोट का डॉग है तो लॉन्ग कोट बोल के देते हैं, है ना सर? अपना ऐसा एकदम जेन्युइन काम, पास जितने भी डॉग है सब लॉन्ग कोट के। अच्छा ठीक है, उसमें दो थे मीडियम कोट के। हाँ हाँ, नहीं एक ही था मीडियम कोट का मेल। हाँ हाँ, तो वो बहुत बड़ा मेल था, सबसे ऊंचा पूरा तगड़ा मेल था। हाँ हाँ, तो उसको मैंने दे दिया, बाकी सब मेरे लॉन्ग कोट के। अच्छा अच्छा, सबको सब बैठे। हाँ हाँ, क्वालिटी। और ये हाफ रही है अभी दोस्तों, क्योंकि कूलर हमने बंद किया था। इसका नाम हमने स्वीटी रखा है। हाँ हाँ, फीमेल है। अच्छा, ये नॉन केसी है। अच्छा, ये केसी नहीं है क्या? व्हाइट में, व्हाइट ब्रीड जो है जर्मन शेपर्ड। अच्छा, वो केसी नहीं है। अच्छा, अभी ब्लैक हुआ है जस्ट। हाँ हाँ हाँ, भी नहीं था। अच्छा अच्छा, ये भी हो जाएगा आने वाले समय में। हाँ, वो तो हो जाएगा, वो तो प्राइवेट है, मैंने बताया केसी प्राइवेट संस्था है। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो कर ही लेगी। अच्छा, हो जाएगा। अच्छा, तो सर केसी जैसे अपने पास अपन पेपर बनाते हैं, तो उसका फायदा क्या रहता है? फायदा देखो, केसी से एक ओरिजिनल ब्रीड माना जाता है। अच्छा, कैनल क्लब ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है उसका। हाँ हाँ, एक ओरिजिनल ब्रीड माना जाता है। केसी से जो रजिस्ट्रेशन वाला डॉग आप लेते हो। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा महंगा भी होता है। अच्छा अच्छा, और नॉन केसी लेते हो तो वो थोड़ा सस्ता होता है। हाँ, क्वालिटी का फर्क गिरता है। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हो मेरे पास में ये नॉन केसी फीमेल है। हाँ हाँ, और ये केसी है सारे। अच्छा, तो क्वालिटी का फर्क गिरता होगा। हाँ हाँ, बट नॉन केसी भी रखना पड़ता है, क्योंकि किसी का बजट कम होता है। हाँ हाँ हाँ, तो कम बजट वाले को मैं नॉन केसी देता हूँ। अच्छा, और उसको अगर अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो केसी। हाँ हाँ, तो इसकी कोई गुड हैबिट वगैरह?
इसकी गुड हैबिट यही है, सबसे ज्यादा प्यार मेरे से ही करती है, अपने साथीदारों से नहीं करती। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ तो ऊपर चढ़ जाएगी, खड़े रहो तो पैर उससे ऊपर चढ़ जाएगी, और चुपचाप नहीं बैठती, देख सकते हो बहुत शरारती है ये, देख सकते हो दोस्तों। मैं जब से जब से वीडियो चल रही है कान झुका दिए, वो उसको ऐसे लग रहा है कि मेरा लाड़ करेंगे अभी, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये बच्चे जैसे रखता हूँ मैं, डॉक्टर ऐसा नहीं है, इनको कुछ समय के लिए ही मैं केज में डालता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर से खोल देंगे सबको तो 6 बजे तक रहेंगे। अच्छा हाँ, ये धूप भी है इसके कारण भी अपन केज में रखते है ना सर, और कूलर तो चालू ही रहता है अपना एनी टाइम। तो मेरा एक आप इसको भी ग्रूमिंग वगैरह डेली करते हो, सब डॉग्स को डेली ग्रूमिंग करते हो है ना? सब लॉन्ग कोट आ गया तो ग्रूमिंग, हाँ, ग्रूमिंग करना तो करना। अच्छा, तो वो काम रहता ही है। अच्छा, डॉग का जब तक कंघी नहीं मारोगे, ग्रूमिंग नहीं करोगे, हाँ, डॉग लगेगा नहीं, साफ सुथरा नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, उसको फंगल इन्फेक्शन का डर है, और लॉन्ग कोट के तो पानी का ज्यादा ये करते है तो उसकी वजह से गीले होते है, तो सफाई जरूरी। अच्छा अच्छा, तो सर अपन के पास इतने सारे डॉग्स है, अगर अपन नहलाते है तो एक साथ पूरों को नहलाते है या एक 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 करके ऐसे? एक साथ तो नहीं, एक एक करके ही, क्योंकि इनको संभालना बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा, वहाँ पर बांध करके कुछ तो नहाते हैं अच्छे से, और कुछ नाटक करते हैं नहाने के लिए, तो वही है, नला बांध के नहलाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, खुले में तो सिर्फ इंसान ही नहाता है, वो भी बाथरूम के अंदर, आपको तो जरूरी बांधना पड़ेगा ही। तो अभी कौन से डॉग से मिलेंगे सर अपन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो हम थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में ही ले रहे हैं दोस्तों, बस आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं। अभी मैं शेरी को दिखा दूंगा। अच्छा, ये फीमेल मेरी प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं लूंगा मैं। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी शेरी को मिलेंगे दोस्तों, वो भी बगीरा के ही लेवल की जर्मन शेपर्ड है, और तो चलो दोस्तों। तो सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है शेरी, हाँ, जर्मन शेपर्ड फीमेल है लॉन्ग कोट की। अच्छा, और इसकी एज है 3 साल। अच्छा, और केसीए रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, पेपर वाली, और इसकी लाइन है बिंगो। अच्छा, बिंगो लाइन जो है, हाँ, जर्मन शेपर्ड उस लाइन की फीमेल है। अच्छा, लॉन्ग कोट की है, इसका शेडिंग अभी हुआ है। अच्छा अच्छा, नीचे के बाल अभी बचे है, हाँ, ये भी बाल जाएंगे सब। अच्छा, नए बाल आएंगे, इसकी मीटिंग हो चुकी है अभी बगीरा से। अच्छा, बगीरा से ही मीटिंग हो चुकी है दोस्तों इसकी। तो इसके अगर पप्पीज आपको चाहिए तो सर का नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, और सर का भी एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है शिव गणेश डॉग हाउस, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और सर काफ़ी जबरदस्त क्वालिटी के डॉग्स वहाँ पे पप्पीज वगैरह सेल करते हैं, तो कांटेक्ट करना है तो सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, सर भी अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं। और तो सर इसके पप्पीज कहाँ तक के हो जाएंगे? अभी दिसंबर लास्ट में हो जाएंगे इसके बच्चे। अच्छा अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे दोनों मदर फादर लॉन्ग को। हाँ हाँ, और दोनों केसीआर रजिस्टर्ड है दोस्तों, और अच्छी फीमेल है मेरी। अच्छा, सबसे अच्छी प्रॉपर लॉन्ग कोट में है। हाँ हाँ, अभी तो इसके बाल शेडिंग हुआ है, जब पूरे बाल प्रॉपर आते हैं। अच्छा अच्छा, तब उसको देखना मजा आता है। हाँ हाँ, तो सर मेल के कंपेरिजन में फीमेल की हाइट कम रहती है? कोई भी आप देख लो, फीमेल आपको कम हाइट में मिलेगी। अच्छा अच्छा, प्रॉपर एंगुलेशन में है फीमेल। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, वीडियो में कुछ अलग दिखता है? हाँ हाँ, देखो लाइव, हाँ वीडियो में, हाँ दोस्तों वीडियो में थोड़ा अलग दिखता है, अगर सामने आ पाओगे तो। इतने जायंट ब्रीड है दोस्तों, इतने बड़े बड़े जर्मन शेपर्ड है सर के पास, और हर डॉग इम्पोर्ट है दोस्तों, और हर डॉग लॉन्ग कोट है। तो और बताओ सर को जिसके बारे में अच्छी, इसकी एक आध अच्छी हैबिट एंड बैड हैबिट। ये सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करती है। अच्छा, क्यों? और के बाद यही करती है। मामा तो करती है। हाँ, और ये शुरू से मेरे पास में है, बचपन से है। अच्छा तो अच्छा, मुझे बहुत ये करती है। अच्छा अच्छा, और मैंने इसको बहुत 2-3 बार मरते मरते बचाया। अच्छा अच्छा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी बॉडी में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो फिर भी मैंने इसको बचाया, और आज बहुत अच्छी फीमेल है मेरी। अच्छा, चैनल की फोर्थ लाइन चैनल है मेरा। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, तो इसको भी सेम डाइट चालू है ना सर? सेम। अपने सारे डॉग्स को एक ही डाइट चालू है? सबको एक साथ में, सबके खाना अच्छा, एक साथ देते हैं। तो सर अभी इसकी मीटिंग हुई है, तो इसको मल्टीविटामिन ये कैल्शियम वगैरह तो क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है?
अभी तो विटामिन दे सकते हो आप। अच्छा, विटामिन कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। हाँ हाँ, बाकी मेडिसिन नहीं देना है कुछ। हाँ हाँ, कुछ ऐसी दवाई नहीं देना है जिससे उसको प्रॉब्लम हो जाए। हाँ हाँ, और ठंडी चीज दो आप। अच्छा, अगर होती है। हाँ हाँ, तो सर जैसे अपनी फीमेल्स की हीट आती है, यानी कि कौन सी हीट पे अपने डॉग्स को मीटिंग लगाना चाहिए फीमेल को? उसका डे होता है, अगर आप ब्लडिंग उसको पता चलता है आपको। हाँ 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 हाँ, तो नोट कर लीजिए, उसके 12वें दिन पे आप मीटिंग लगा सकते हैं। अच्छा, 12वें दिन से। अच्छा, वैसे 11वें दिन से लगाते हैं, बट 12वें दिन प्रॉपर आता है। अच्छा, कोई कोई फीमेल ज्यादा भी लेती है। हाँ हाँ हाँ, तो प्रोजेस्टेरोन टेस्ट अगर कराते हो आप। हाँ हाँ, ब्लड उसका। अच्छा, लेबोरेटरी में। हाँ हाँ, तो उसमें पता चल जाता है। अच्छा, तो सर पहली हिट पे लगाना चाहिए मीटिंग, दूसरी या तीसरी? मेरे हिसाब से तीसरी पे लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, फीमेल का तो ब्रीडिंग ही लेना है हमने। हाँ हाँ, तो क्वालिटी बन जाएगी उसकी अच्छी। अच्छा अच्छा, क्वालिटी बनने देना चाहिए। हाँ, बच्चे देने के बाद फीमेल कमजोर भी हो जाती है। अच्छा, आज की प्यारी वीडियो तो दोस्तों कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और कमेंट में लिख देना दोस्तों मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, ये देख रहे हो दोस्तों कितना प्यार कर रही है। तो दोस्तों यहाँ तक मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो वो सिटी का नाम कमेंट में कमेंट करना। और तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, वंदे मातरम।